आईपीएल के अगले सीजन के लिए मेगा ऑक्शन की तारीखों का ऐलान हो गया है। बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजीज को सूचित कर दिया है कि बेंगलुरु में 12 और 13 फरवरी को मेगा ऑक्शन होगा। आईपीएल के 15वें सीजन में 10 टीमें खेलती नजर आएंगी। इस बार दो नई टीमें लखनऊ और अहमदाबाद भी जुड़ गई हैं। पुरानी 8 टीमें पहले ही अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इस खबर में हम आपको बताने जा रहे हैं अगले सीजन में कौन सा खिलाड़ी किस टीम का कप्तान हो सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स महेंद्र सिंह धोनी आखिरी बार 4 बार की आईपीएल विजेता सीएसके का पानी कर सकते हैं। धोनी दूसरे ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें नवंबर में रिटेंशन के दौरान फ्रेंचाइजीज ने रिटेन किया था। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा 16 करोड़ रुपए में सीएसके की पहली पसंद थे, जबकि धोनी ने वेतन में कटौती की और 12 करोड़ रुपए में रिटेन हुए। इस कदम से अभी पता चलता है कि धोनी के संन्यास लेने के बाद जडेजा इन चीज़ों के प्रभारी होंगे। जडेजा आईपीएल 15 में धोनी के साथ टीम की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। मुंबई इंडियंस 5 बार की चैंपियन, मुंबई इंडियंस की कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों में होगी। हाल ही में रोहित के हाथ में वनडे टीम की कमान भी सौंपी गई है। मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को 16 करोड़ रुपए में रिटेन किया था। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल के 14वें सीजन से पहले श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद पंत ने टीम की कमान संभाली थी। हालांकि अय्यर की वापसी के बाद भी पंत टीम के कप्तान बने रहे। अय्यर को दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन नहीं किया। ऐसे में अगले सीजन में ऋषभ पंत ही टीम के कप्तान करते नजर आएंगे। राजस्थान रॉयल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को राजस्थान रॉयल्स ने 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया। ऐसे में आगामी आईपीएल 15 में एक बार फिर टीम की अगुवाई करते नजर आएंगे। सनराइजर हैदराबाद को केन विलियमसन को 14 करोड़, अब्दुल समद को 4 करोड़, उमरान मलिक को 4 करोड़ में रिटेन किया। उसने डेविड वॉर्नर, जॉनी बेरिस्टो, जेसन होल्डर, जेसन रॉय, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार जैसे बड़े नामों को रिटेन नहीं किया। ऐसे में केन अगले सीजन में टीम की कमाल संभालते नजर आ सकते हैं। पंजाब किंग्स की बात करें, टीम के मुख्य कोच अनिल कुंबले ने पुष्टि की है कि फ्रेंचाइजीज महेंद्र अग्रवाल को कमान सौंप सकती है। रिटेंशन के दौरान कर्नाटक स्टार फ्रेंचाइजी सीएस पसंद थे, उन्होंने 12 करोड़ रुपये मिले थे। इसके अलावा पंजाब ने अर्शदीप सिंह को 4 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। पंजाब ने केएल राहुल, रवि बिश्नोई, निकोलस पुरन जैसे खिलाड़ियों को बाहर जाने दिया। अर्शदीप सिंह अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की बात कर लेते हैं। 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज के हरपन मुला खिलाड़ी आनंद रसेल को कप्तानी का मौका दे सकती है। रसेल रिटेंशन में फ्रेंचाइज की पहली पसंद थे, क्योंकि यानी मेगा ऑक्शन से पहले अपने कप्तानी और मॉर्गन और उप कप्तान दिनेश कार्तिक को रिहा कर दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की बात करें तो विराट कोहली पहले ही कप्तानी छोड़ चुके हैं, जबकि वे डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ऐसे में फ्रेंचाइजी ग्लेन मैक्सवेल को कप्तान बना सकती है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने पूर्व कप्तान विराट कोहली को 15 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। उनके अलावा ग्लेन मैक्सवेल को 11 करोड़, मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ रुपये में रिटेन किया है। लखनऊ के सूत्रों के मुताबिक आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी की कप्तानी केएल राहुल कर सकते हैं। राहुल के व्यक्तिगत रूप से पंजाब किंग्स से उन्हें रिटेन नहीं करने को कहा। अहमदाबाद श्रेयस अय्यर, डेविड वॉर्नर में से कोई खिलाड़ी अहमदाबाद की कप्तानी करता नजर आ सकता है। दिल्ली ने अय्यर को रिटेन नहीं किया है, वहीं सनराइजर्स हैदराबाद ने वॉर्नर को रिटेन नहीं किया है। ऐसे में मेगा ऑक्शन में अहमदाबाद की निगाह इन खिलाड़ियों पर जरूर होंगी।